और भाई मैंने ली थी 7 अप्रैल 2023 को, मतलब साल भर भी पूरा हुआ नहीं इसको भी लिया हुए। और माइलेज की अगर अपन बात करें, माइलेज आप क्या निकाल के दे रही है? माइलेज लगभग 55-60 का। 55-60 निकाल देती पूरा कंपनी से? 60 का क्लेम करती, 60 पूरा दे देती है। पर इसमें इशू आया था मेरे, ये चोरी हो गया था यहाँ से, ये चीज़ को निकाल के ले गया। अच्छा। मेरी तो मैं रात को कहीं प्लग के ऊपर वाला हाँ सीता। तो हेलो भाई, मैं मोहित बिश्नोई आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ, जिसके अंदर अपन आज बात करेंगे स्प्लेंडर का ओनरशिप रिव्यू। आपने पहली जो वीडियो देखी थी उसके अंदर अपने जो वीडियो डाला था वो अपन ने डिटेल रिव्यू किया था, अपन ने खुद ने अपने हिसाब से रिव्यू किया था उसका। एंड वही सेम बाइक है उसका, आज अपने ओनरशिप रिव्यू लेते हैं कि भाई जो ओनर है उनका क्या कहना है इस बाइक के बारे में। तो अपन उनको बुला लेते हैं भाई आगे। और तो ये है अपने वीर भाई जिनकी ये बाइक है, तो इनसे अपन बात करते हैं इस बारे में कि भाई बाइक का अपने क्या रेस्पॉन्स है, कितने में ली, कैसे ली, कहाँ से ली और यही क्यों ली। तो सबसे पहले भाई अपना इंट्रोडक्शन दे दो आप। मेरा नाम वीर बिश्नोई है। हाँ। और मैंने ली थी 7 अप्रैल 2023 को, मतलब साल भर भी पूरा हुआ नहीं इसको भी लिया हुआ। तो उस टाइम आपको ये कितनी कॉस्टिंग पड़ी उसकी? ये पड़ी थी मेरे को 87,000 रुपये की। और इसके अंदर मेरे हिसाब से 2-3 वेरिएंट आते हैं, तो डिजिटल मीटर वाला भी आता है। हाँ, डिजिटल वाला भी आता है, तो मेरे को टच नहीं लगा, ये अपना प्यार है। अच्छा, बढ़िया ये। तो एक इसके अंदर शायद पूरा ब्लैक वाला वेरिएंट भी आता है, जिसके अंदर पूरी ब्लैक आती है। हाँ, वो भी नहीं ली? वो भी नहीं। तो ये आपने मिली नहीं या फिर ऐसा क्या रीजन था? नहीं, मिल तो रही थी वो, पर ये अच्छी लगी मुझे, ये सिल्वर कलर वाली। अच्छा, तो टोटल आपको 87,000 इसके अंदर लग गए आपके। इसके अंदर आपके पास और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे सीडी डिलक्स की इससे कम की पड़ती, तो पीछे खड़ी अपने जो कि आपको इससे काफ़ी कम में पड़ जाती है। तो आपने स्प्लेंडर, तो स्प्लेंडर है यही अच्छी है, प्लेटिना वगैरह और भी काफ़ी साइन आते हैं। थोड़ा बहुत आप बजट भी ऊपर बढ़ाते तो उसके अंदर आपको और भी मिल जाती। तो अच्छा, तो ये आपको ज़्यादा अच्छा, तो आपने दूसरी बाइक पर ना जाके स्प्लेंडर ही अपना ऑप्शन चूज किया। बाकी माइलेज का अगर देखे तो मेरे हिसाब से डीलक्स वगैरह थोड़ी आपको ज़्यादा निकाल देती होगी इससे, लेकिन फिर भी आपने माइलेज वाली तो कोई बात नहीं है। हाँ, शौक एक अलग चीज़ है। मैंने आपको मतलब इसका लुक अच्छा लगा कि भाई लुक अच्छा है इसका डीलक्स से, लुक आप देख सकते हो भाई ये दोनों का काफ़ी अपने को अलग अलग मिल जाता है दोनों का। और बाकी लगभग लोग हैं उनको तो स्प्लेंडर ये ज़्यादा पसंद आती है अपने जो एज के जो बच्चे होते हैं उनको। और बाकी बात कर लेते हैं भाई से कि भाई आपको स्लिम टाइप में मिल जाती है आपको। तो बाइक आपने टोटल कितने किलोमीटर चला रखी है? मैंने 11,000 ऑलमोस्ट। तो बाइक जो आप देख सकते हो अपने 11,060 किलोमीटर टोटल अपने चल चुकी है। एंड 11,060 किलोमीटर चलने के बाद में आपको कोई दिक्कत वगैरह इसके अंदर लगी हो तो वो बता दो। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल आज तक कोई आपको इशू फेस नहीं करना पड़ा? सर्विस वगैरह अगर हीरो की अगर अपन बात करें तो सर्विस में कोई दिक्कत हुई होगी भाई? सर्विस के अंदर आपको कोई बिल ज़्यादा तो वैसे कोई नहीं, लास्ट सर्विस थी मेरी उसमें मैंने किलोमीटर ज़्यादा चला दिए थे तो वो की नहीं उन्होंने, वो फिर अगले नेक्स्ट उन्होंने उसके अंदर डाल दी, मतलब जो फ्री सर्विस में आपने की आपकी फ्री सर्विस होगी उसके अंदर उन्होंने की नहीं, पेड सर्विस आपके ली होगी उन्होंने, वो तो आप पेड सर्विस लेते हैं। तो एक वो उसका एक टाइम पीरियड होता है कि भाई इस टाइम पीरियड के अंदर अपने करा लेनी चाहिए, उस टाइम पीरियड में इन्होंने अगर कराई नहीं होगी तो वो इनका मिस हो गया होगा, उसके हिसाब से उन्होंने बाद में अपने पेड सर्विस उन्होंने इसकी की थी। तो अगर अब बात कर लेते हैं भाई से कि और कोई दिक्कत आई हो तो इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं है इसके अलावा? तो भाई अपन ने पूरी बात कर ली सर्विस वगैरह की, सर्विस का जो एक्सपीरियंस है भाई का काफ़ी अच्छा रहा था इसका, और आज तक इनको कोई इशू वगैरह फेस भी नहीं करना पड़ा, बस वो एक नॉर्मल था जो अपने टाइम हो इसका ज़्यादा हो गया था इसकी वजह से इनके हो नहीं भाई। तो अब बात कर लेते हैं भाई से कि और कुछ इशू आया हो तो। एक बार इसमें इशू आया था मेरे, ये चोरी हो गया था यहाँ से, ये चीज़ को निकाल के ले गया। अच्छा, तो मैं रात को कहीं पर प्लग के ऊपर वाला हाँ सीता ले गया कोई, मैं कहीं पर जा रहा था, बाइक स्टार्ट करने की ट्राई की मैंने, स्टार्ट हुई नहीं मेरे से। हाँ, मैंने काफ़ी देर तक ट्राई किया कुछ नहीं हुआ, फिर मैंने देखा ये गायब है, लोग चोरी करके ले गए। हाँ, वो चोरी करके। तो यार भाइयों, लोग आज के टाइम में स्पार्क प्लग का कवर भी नहीं छोड़ते, ऊपर वाला जो कवर है इन्होंने फिर बाद में बाहर से डलाया था, जो कि इसका हीरो का भी नहीं है ऐसे, वैसे मतलब एक तरीके से जुगाड़ के तौर पे इसको लगा रखा है, और हीरो का अगर होता है तो वो पूरा साइड तक इसको पैक कर देता होगा, तो इन्होंने जुगाड़ के तौर पर लगा रखा है, फिर बाद में कहीं से बाहर से डलवाया था इन्होंने अथवा ऑन द स्पॉट बाइक बाहर खड़ी थी। लोग यार ये तक नहीं छोड़ते, ये तक निकाले लेके चल जाते हैं यार। तो एक ही गुजारिश है मेरी, हाँ, सबकी सिक्योरिटी पूरी रखे। अच्छा, इनके भी कोई लॉक लगाए इनके तो लॉक क्या ही लगेगा इसे। बाकी और माइलेज की अगर अपन बात करें, माइलेज आप क्या निकाल के दे रही है इसे? माइलेज लगभग 55-60 का।
55-60 निकाल देती पूरा कंपनी से 60 का क्लेम करती, 60 पूरा दे देती है। फिर तो बढ़िया यार, 60 का अगर पूरा दे देती है तब तो सिटी के अंदर ही, सिटी के अंदर यार 60 का दे रही तो भाई अच्छा ही है। फिर तो कितना ही कंपनी क्लेम करती है 60 का, हाईवे के हिसाब से वो मेजर करते हैं, लेकिन इनके सिटी के अंदर इतना निकाल रही बहुत बड़ी बात है यार। फिर तो हाईवे पे और ज़्यादा निकाल देती होगी। तो आपने वैसे मॉडिफिकेशन वगैरह इसके अंदर और कुछ नहीं करा रखी, बस एक आपने लेमिनेशन वगैरह करा रखा, जैसा कि मैंने देखा है एक तो भाई ने यहाँ पे लेमिनेशन करा रखा है पूरे बॉडी पे, थोड़ा अपने ब्लैक टाइप कलर में शेडो शेड के अंदर है, और पीछे जो है अपने इन्होंने ये हटा रखा है ना, जो अपने इसके पीछे वाला ग्रे बैंड लाता पकड़ने वाला उसको इन्होंने हटा रखा है। बाकी ये ऐसा कुछ इसका लुक आ जाता है बाइक का, उससे स्प्लेंडर है ना जो एक मतलब सिंपल सोबर काफ़ी अच्छी लगती है इसके अंदर। कई लोग जैसे आपने देखा होगा कि अलॉयज वगैरह भी इसके अंदर अपग्रेड कराते हैं मर्सिडीज़ वाले, तो उनका आपने कभी सोचा नहीं इसके बारे में? मैंने तो सोचा नहीं है, पर ये भी बढ़िया है, कंपनी बढ़िया दे रही, कंपनी वाले अच्छे हैं ना। बाकी कई लोगों को मैंने देखा जैसे वो लोग इसके अंदर एस वाले वो डलाते हैं, तो वो आपको ऐसे पसंद नहीं है? वो ये भी बढ़िया है, कंपनी वाले ज़्यादा सही लगे, कंपनी वाले भी बढ़िया है। अच्छा तो भाई ये अपना टोटल अपना इसका ओनरशिप रिव्यू था। बाकी वीडियो अगर मेरी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि भाई नेक्स्ट कौन सी बाइक का अपने रिव्यू करें।